गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर के। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियोस में चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ा समझा, तो आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है लेट्स रिकॉल। चलिए रिकॉल करते हैं। मैं भी आपको हमेशा कहती हूँ कि हमें रिकॉल करते रहना चाहिए और किसी भी पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करके पढ़ना बहुत जरूरी है। और रिकॉल करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम बार बार एक चीज को सुनते हैं, बोलते हैं, तो वह हमें खुद ब खुद याद हो जाती है। तो चलिए, नंबर फर्स्ट है हमारे पास स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स लिखते हैं हमें। नंबर ए है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, यहाँ तक तो ठीक है। बट हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ा था कि जेम्स मिल साहब ने जो डिवाइड किया था थ्री पीरियड्स में इंडियन हिस्ट्री को अपने बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, बट हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश किस में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में, क्रिश्चियन नहीं। तो क्या हो गया, ये बेसिकली बच्चों फॉल्स हो गया। तो नंबर बी पढ़ेंगे हम, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें इस बात को समझने में हेल्प करते हैं कि उस टाइम जो कंट्री के लोग थे, इंडियन कंट्री के लोग थे, वो क्या सोच रहे थे, उनकी सोच को समझने में हेल्प करता है। तो बेसिकली बच्चों ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। वो इसलिए कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें वही बताते हैं जो ब्रिटिश हमें बताने में इंटरेस्ट रखते हैं और जो वो चाहते हैं, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व टू फॉर पोस्टेरिटी, और जो वो अपने आने वाली जनरेशन को बताना चाहते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें सिर्फ वही बतलाते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें वो नहीं बतलाते कि कंट्री के पीपल उस टाइम क्या कर रहे थे, उनकी हालत कैसी थी। तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। नंबर सी, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों, ब्रिटिश सोचते थे कि सर्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। सर्वेज यानी कंट्री को जाना, वो है किसी भी कंट्री पर इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो है वो जरूरी है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ट्रू हुआ, क्योंकि हमने जो है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। कि किसी भी कंट्री पर इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड करने के लिए, यानी उस पर पूरा असर तरीके से शासन करने के लिए, उसको पहले जानना जरूरी है। और जानते हैं हम किसके जरिए से है, सर्वे करके जानते हैं हम। सर्वेज के जरिए से हम जानते हैं किसी भी कंट्री के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। कि उस जो है इंडियन हिस्ट्री के उस पीरियडाइजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है जो कि जेम्स मिल ने किया था। तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। आंसर है हमारे पास, जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड्स इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एज ऑल वी नो, द प्रॉब्लम विद दिस पीरियडाइजेशन इज वी कैनॉट रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और एज मुस्लिम, एंड वी कैनॉट कैरेक्टराइज एनी एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ रूलर्स ऑफ टाइम। We should remember a variety of faith exists simultaneously in these periods, and we should always remember that even ruler in ancient India did not all share the same faith. तो basically हमें यही कह रहा है, ये हमने जो है chapter में भी पढ़ा था कि जो problem थी इसके जेम्स मिल साहब के periodization में, वो यही थी कि हम अपनी history के किसी भी period को उस टाइम के किंग के या रूलर के रिलीजियन के बेस पे जो है हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। ये नहीं कि उस टाइम का रूलर मुसलमान था तो हम उसको मुस्लिम पीरियड कहेंगे, उस टाइम के रूलर हिंदू थे तो हम हिंदू पीरियड कहेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंडिया में शुरू से ही जो है डिफरेंट फेथ पर डिफरेंट बिलीव्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियन के लोग रहते हैं, और जो एंशियंट इंडिया के जो रूलर्स थे वो सब जो है एक जैसा बिलीव शेयर नहीं करते थे, एक जैसा फेथ को वो शेयर नहीं करते थे। तो यही प्रॉब्लम थी कि उन्होंने धर्मों के आधार पर हमारी हिस्ट्री को
जो है डिवाइड कर दिया था जो कि फेल हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ब्रिटिश ने जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्यों महफूज करके रखा, क्या वजह थी इसके पीछे? तो आंसर हमारा है, द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टेल अस व्हाट ब्रिटिशर विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के को जो है प्रिजर्व करने की, महफूज करने की, कि ब्रिटिशर्स जो है बतलाना चाहते थे आने वाली जनरेशन को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नंबर टू पॉइंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। नंबर थर्ड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेशन वी कैन स्टिल रीड लेटर्स एंड मेमोज ऑफ द 19th सेंचुरी इन द आर्काइव्स। ये भी एक बड़ी बात है कि हम प्रिजर्वेशन की वजह से आज भी जो है 19th सेंचुरी के मेमोज लेटर्स को आज भी हम आर्काइव्स में पढ़ सकते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प अस टू नो द नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री एंड देयर सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन एंड आल्सो इन्फॉर्म अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए बच्चों, होप सो क्या आप लोगों के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से हो रहे होंगे, सॉल्व हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट। एक क्वेश्चन था, एक हमारे बुक में एक रिपोर्ट दी गई थी जो कि हम लोगों की स्किप हो गई, हम फिर भी मैं आपको कहती हूँ कि सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आ गया इसके बारे में जो कि हमसे छूट गई थी, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी हमारा चैप्टर हम कर ही रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि जो ओल्ड न्यूज़पेपर था उसकी जो है इंफॉर्मेशन, जो हिस्टोरियन ने वहां से इंफॉर्मेशन ली, वो कैसे डिफरेंट थी पुलिस रिपोर्ट से, कैसे दोनों में अलग अलग बातें कही गई थी। तो बेसिकली जो वो था रिपोर्ट जो थी वो ये थी कि एक न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट छपी थी वो ये थी, न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, Here is a report of a police strike in 1946. यानी 1946 की पुलिस स्ट्राइक की एक रिपोर्ट है जो कि अखबार में किस तरह छपी थी। मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरीज एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू देम फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन। के ये कहा जा रहा है कि मोर देन 2000 पुलिसमैन ने जो है अपना खाना जो है वो इसलिए छोड़ दिया था, इस प्रोटेस्ट में छोड़ दिया था क्योंकि उनकी सैलरीज काफी लो थी और जो उनको जिस किचन से जो खाना मिलता था पुलिस लाइन किचन जो था, एक तो खाने की क्वालिटी घटिया थी, ऊपर से किचन जो है वो भी नीट एंड क्लीन नहीं था, वो ह्यूमन कंजप्शन के हिसाब से फिट नहीं था। तो ये क्या, ये रिपोर्ट थी जो अखबार में छपी थी और ये वो बात है जो कि वहां के एक स्ट्राइकर ने कही। क्या कही? वन ऑफ द स्ट्राइकर सेड, द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन किचन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। तो इसमें एक स्ट्राइकर कह रहे हैं कि जो कि जो खाना हमें पुलिस लाइन किचन से जो सप्लाई होता है वो जो है उसका किचन जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, और जो दाल और चपाती हमें मिलती है वो भेड़ बकरियां भी खाना पसंद नहीं करेंगी, इतनी इनकी लो क्वालिटी होती है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि ये दोनों रिपोर्ट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों, डिफरेंट कैसे है, कैसे जो हिस्टोरियंस है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कैसे डिफरेंट। द रिपोर्ट पब्लिश इन न्यूज़पेपर आर यूजुअली अफेक्टेड बाय व्यूज एंड द ओपिनियन ऑफ द रिपोर्टर न्यूज एडिटर ETC। कि जो रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हुई है वो बेसिकली थोड़ा सा अफेक्टेड है किससे, न्यूज रिपोर्टर्स के व्यू से और न्यूज एडिटर्स के ओपिनियंस से। बट इन द रिपोर्ट ऑफ पुलिस हिस्टोरियन फाइंड द रियल एंड ट्रू इंफॉर्मेशन। बट जो पुलिस की जो रिपोर्ट है हिस्टोरियंस जो है उसमें क्या कर रहे हैं, रियल और ट्रू इंफॉर्मेशन उनको जानने को मिल रही है। तो बच्चों बस यही है कि दोनों में सेम ही बात कही गई है, बस सबका रिपोर्टर्स का किसी भी दूसरे इंसान का कहने का अलग अलग नजरिया होता है, सब अपने हिसाब से कोई भी बात बोलते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। तो बस ये थोड़ी सी क्या थी कि अफेक्टेड थी रिपोर्टर्स के ओपिनियन और उनके व्यूज से, बाकी बात तो सेम ही थी दोनों में।
तो चलिए लेट्स डू, एक हमारे पास करने के लिए कुछ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल ऑफ सर्वे इन योर वर्ल्ड टुडे। क्या आप आज के टाइम में अपने वर्ल्ड में जो है सर्वेज के एग्जांपल के बारे में सोच सकते हैं? यस, सर्वेज आज भी होते हैं, बट आज क्या, आज के टाइम पे क्या होता है, टेक्निकली सर्वेज होते हैं, काफी हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं सर्वे करने के लिए। थिंक हाउ ट्राई कंपनीज गेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यंग पीपल इंजॉय प्लेइंग। अच्छा, कह रहे हैं कि सोचे कि कंपनीज जो है कैसे इंफॉर्मेशन करेंगी कि जो यंग पीपल, जो बच्चे जो है वो किस किस्म के खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्या होगा, जब भी हमें किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम सर्वे करेंगे। तो कंपनीज क्या करेंगे, वो सर्वे करेंगे, वो टॉय मार्केट में जाएंगे और दे और उनसे पूछेंगे कि कौन से टॉयज जो है वो ज्यादा बच्चे खरीदते हैं, बच्चे जो है ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बच्चों के लिए कौन से टॉयज। तो वो इस तरह इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे, उनको पता लग जाएगा जब वो पूरी मार्केट में घूम के जो एवरेज जिस टॉय पर आएगा, तो एवरेज जो टॉयज बच्चे लोग पसंद करेंगे तो वो उसको ज्यादा बनाएंगी। इस तरह पता लग जाएगा, उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चे किस खिलौने से ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। और एक क्वेश्चन है, विद और हाउ द गवर्नमेंट फाइंड्स आउट अबाउट द नंबर ऑफ यंग पीपल इन स्कूल। कि अगर किसी गवर्नमेंट को ये जानना हो कि जो स्कूल्स में जो है वो छोटे बच्चों की संख्या कितनी है, तो वो कैसे जानेंगी? तो बेसिकली वो क्या करेंगे, वही करेंगे, वो सर्वेज करेंगे। वो गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरी कंट्री में जितने स्कूल हैं उनमें जो है सर्वेज करेंगे और जो है आंकड़े जमा करेंगे कि स्कूल में छोटे बच्चों की संख्या क्या है, हर स्कूल में छोटे बच्चों की संख्या क्या है। इस तरह हमें पता लग जाएगा कि हमारी पूरी कंट्री में छोटे बच्चों की संख्या कितने हैं स्कूल्स में। और बेसिकली बच्चों सर्वेस जो है हम यही करते हैं, सर्वेस से हमें जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको भी कभी सर्वे करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी ये जानने की इच्छा हुई कि हमारी सोसाइटी में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सर्वे करेंगे। सर्वे करने के लिए आप क्या करेंगे, आप हर घर में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके घर में कितनी लेडीज हैं कितने जेंट्स हैं। लिखते लिखते आप जब सारे घर का आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको आपके पास एक डेटा आ जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके सोसाइटी में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो ये जो है हमारा सर्वे कहलाएगा। What can a historian derive from such surveys? अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरियंस जो है वो सर्वे से क्या हासिल करते हैं। तो बेसिकली वो यही हासिल करते हैं, उनको पता लगता है, पॉपुलेशन पता लगती है उस टाइम की, और जो है सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन पता लगती है लोगों की। यही सारी चीज़ें जो है उनको जानने को मिलती हैं हिस्टोरियंस को। सर्वेस जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, बॉटनिकल भी होते हैं, जूलॉजिकल भी होते हैं, हर तरह के सर्वे होते हैं। तो हिस्टोरियंस इसी तरह की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, सर्वेस को देखते हैं जो कि पहले हुए हुए हों। तो चलिए बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे, आप लोगों को चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे आपके अपने चैनल लर्न साइंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।